नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए वाक्य में काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय अपनी मां प्रीता को बचाने के लिए राजवीर कुछ भी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वहीं पर निधि कहती हुई नजर आ रही कि प्रीता अब जिंदा नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि सभी पूरे लूथरा परिवार को ये लग रहा था कि प्रीता जिंदा नहीं है, लेकिन प्रीता जिंदा है और अगर इन सब की नज़र पड़ती है तो ये दिक्कत हो जाएगी। हालांकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय पहले से ही देख चुकी है आखिरकार कोई और नहीं, बल्कि इस समय जो देखा है वो देखा है सीधे सीधे तरीका से अगर बात की जाए तो आखिरकार करण ने। लेकिन अब सभी को ये भी पता लगने जा रहा है कि राजवीर कोई और शख्सियत नहीं है, बल्कि राजवीर हमारा खुद का ही बेटा है जो कि हमसे बहुत पहले दूर हो गया था। आप लोग जानते हैं कि इस समय सभी लोग बेहद ज़्यादा कन्फ्यूजन और कसमकश की स्थिति में भी नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी एक बार फिर से नया ट्विस्ट लाती हुई नज़र आ रही है। बात की जाए इस समय राखी की, तो राखी बोलती हुई नज़र आने वाली है कि हमें वाकई में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपने बच्चे की, और शुक्र है कि अब हमारा बच्चा हमारे पास ही होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सभी लोगों का मानना ये है कि जो हो रहा था वो वाकई में बेहद ज़्यादा अलग और ही अलग तरीका से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे निधि एक्सपोज भी होगी और निधि का यहाँ से जाना भी बिल्कुल तय है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी में एक और भी नया भाग मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि सभी लोग इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में और कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और ऐसा ही क्यों हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए आखिरकार वही चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। मैं तो थैंक यू।